तो जनाब वेलकम बैक हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत। आज है लेक्चर नंबर 42 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में स्पेसिफिक प्रिंट डिजाइन के बारे में कि जब किसी वेब पेज को हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो किस स्टाइल में दिखना चाहिए, क्या कलर और क्या डिजाइन होनी चाहिए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है, इसलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएसएस आपकी जो होती है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज होती है। आप सीएसएस से ये भी तय कर सकते हैं कि जो आपने एक वेबसाइट बनाई है उसका वेब पेज नॉर्मल जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हो लाइक अपने मोबाइल टैबलेट लैपटॉप पे तो कैसी दिखे, या फिर जब उसका प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो आप सादे पेपर पे तो वो कैसा आए। ठीक है, तो आप ये भी तय कर सकते हो। कैसे तय किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्यों तय किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि मान लो बहुत से लोग बच्चे पढ़ते हैं तो उनको प्रिंट आउट निकालना होता है पर्टिकुलर नोट्स से जो वेबसाइट पे पड़े होते हैं, तो उनको एक अच्छा सा मतलब प्रिंट आउट निकल के आए ये हम लोग सोचते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे स्टाइल बनाते हैं। तो करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले मैं मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक वेब पेज बनाता हूँ। वेब पेज में नॉर्मली होता क्या है, मान लो जैसे एक डिव बना ली, डिव इसलिए बना रहा हूँ कि सीएसएस लगानी, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मान लो कोई आप नॉर्मली वेब पेज देखते हो तो उसके अंदर कोई इमेज लगी होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो इमेज लगा दिया। ठीक है, इमेज में मैं यहाँ पे इमेज ये वाली लगाने वाला हूँ, सॉरी ये वाली, ठीक है, तो ये इमेज लगाकर आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाकी आप किस हिसाब से रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले मैंने इमेजेस फोल्डर का नाम दिया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और ये हमारी इमेज का नाम है bg.jpg, ये कर लिया। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ मान लो अब वेबसाइट है तो उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा होगा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, डमी टेक्स्ट लिखेंगे 100 वर्ड्स का। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ओके, अगर आपके में ऐसा नहीं आ रहा तो व्यू पे जाइए, वर्ड रैप पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं सीएसएस में। ठीक है, तो सीएसएस वाला पार्ट जब आप खोलेंगे फाइल का तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो पर्टिकुलर चीजों को समझ लेता हूं कि कैसे क्या आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले एट द रेट लगाइए। ठीक, एट द रेट लगाने के बाद आपको मीडिया लिखना होगा। आपने एट द रेट मीडिया लिख दिया, अब उसके बाद आप ये बताओ कि ये जो मीडिया किस चीज के लिए आप बता रहे हो, मतलब जब मान लो स्क्रीन के लिए आप सीएसएस लगा रहे हो कि स्क्रीन पे कैसा दिखे, या फिर प्रिंट आउट के लिए, या फिर पर्टिकुलर किस चीज के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो अपने सीएसएस लगाने वाले हैं वो लगाने वाले प्रिंट आउट के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो सीएसएस आप लिखते हो तो स्क्रीन के लिए होती है कि मान लो आपके मोबाइल लैपटॉप पे लोगों को कैसा वेबसाइट दिखे, कैसा वेब पेज दिखे, पर यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक लगाएंगे प्रिंट आउट के लिए कि प्रिंट आउट में कैसा निकले। तो मैंने कहा प्रिंट, इतना लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट बनाया, एंटर दबाया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, यहां तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आपको करना क्या है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीएसएस लगाता हूँ, डिजाइन लगाता हूँ जो मेरा प्रिंट आउट के समय आए, ऐसे नॉर्मली ना आए, तो मैं भी आपको समझा दूंगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूं, मैं करूंगा कि जो मैंने पैराग्राफ लगाया है, ठीक है, वो अभी नॉर्मल टेक्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी आपको दिखा देते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल मान लो इतना वेब पेज हम लोग ने बना लिया है तो सीएसएस लगाने से पहले आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इसको कर लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर और एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये इस तरीके एक इमेज आ रही है, ये टेक्स्ट आ रहा है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो यहीं पर हम लोग एक विथ लगा देते हैं, विथ एट्रीब्यूट, और इसको छोटा कर देते हैं मान लो, क्योंकि जब कंप्लीट आप वेबसाइट बनाएंगे तब तो इमेज आप अपने हिसाब से लगाएंगे, पर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी के लिए छोटा लगा देते हैं इसको। आप देखो इस तरीके का वेब पेज आ रहा है, एक आपकी इमेज लगी हुई है और ये नॉर्मल हैंडेड वर्ड्स का आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, आप इसको मोबाइल पे भी देखेंगे ऐसा दिखेगा नॉर्मल। अब हम लोग ये बता रहे हैं कि प्रिंट आउट जब निकाले इसका तो कैसा निकले। अभी देखो मैं प्रिंट आउट निकाल के भी इसको दिखाता हूं। मैं कंट्रोल और पी आपको दबाना है, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कंट्रोल पी दबाओगे तो ये प्रिंट आउट वाला मोड खुल गया। ठीक है, अभी आप प्रिंट आउट निकालोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, ये इमेज आएगी और ये टेक्स्ट आएगा। देखो नॉर्मल है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वैसे ही यहाँ पे भी आ रहा है प्रिंट आउट में। ठीक है, अब हम लोग इसको डिजाइन करते हैं कि प्रिंट आउट में कैसा आए। तो सबसे पहले मैंने पैराग्राफ लगाया, कर्ली ब्रैकेट दबाया और मैंने कहा फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट साइज लगभग रखो 40 पिक्सल्स का। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला इसको एक कमांड बताई कि जब प्रिंट आउट निकालो तो फॉन्ट का साइज बड़ा कर दो। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल है। मैं आपको इसको साइड में ओपन भी करके दिखा सकता हूँ, एक सेकंड मेरे को देना, मैं इसको साइड में ओपन करके दिखाता हूँ। देखो कोई भी यहाँ पे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला जो मैं सीएसएस लगाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा क्या कि इसका जो फॉन्ट का कलर है वो रेड कर दो।
मैंने यहाँ पे रेड डाला, क्या यहाँ पे रेड हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रिंटआउट के लिए हम लोग कर रहे हैं, मीडिया लगा हुआ है ना। तो मीडिया लगने से क्या होता है कि जब आप प्रिंटआउट मोड खोलेंगे या फिर प्रिंट करेंगे चीजों को, तब होगा वो। इतना हो गया। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि जो इमेज है वो इमेज ना आए, मान लो जो प्रिंटआउट निकाले भी वेब पेज का वो इमेज ना आए प्रिंटआउट में, तो कैसे होगा? तो IMG टैग सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट बनाया और मैंने कहा डिस्प्ले नन कर दो। आप इसकी बजाय ये भी कर सकते हो कि इमेज आए, बड़ी आए, छोटी आए, आप कुछ भी लगा सकते हो। मान लो बड़ी बतानी तो विथ लगा दो, और हाइट में बड़ी बतानी तो हाइट लगा दो। आप कलर बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ पर बॉर्डर लगा दो, वो आपके ऊपर है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इमेज ना आए प्रिंटआउट निकालते समय, तो मैंने डिस्प्ले एट्रीब्यूट लगाया और मैंने यहाँ पे नन कर दिया। और ये एट्रीब्यूट नहीं है, प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग CSS यूज कर रहे हैं, मैंने एट्रीब्यूट गलत बोला। तो डिस्प्ले मैंने नन कर दिया, अब इमेज आएगी नहीं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये सब चीजें एक डिव के अंदर है, तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, ठीक है। तो मैंने डिव सिलेक्ट करा क्योंकि एक ही डिव है, तो आईडी बनाने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर कहा ब्लैक कर दो, ठीक है, क्योंकि रेड हम लोग फॉन्ट यूज करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक चल सकता है। तो अभी देखो ये नॉर्मली मैंने क्या कहा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो, कलर इसका रेड कर दो, इमेज ना आए प्रिंट आउट में, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। ओके, तो क्या अभी ऐसा हुआ है कुछ भी? एक भी कंडीशन नहीं यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब हम लोग इसका प्रिंटआउट मोड खोलते हैं, जब प्रिंटआउट आप निकाल रहे होते हो तो कंट्रोल पी दबाया, अब ये खुल गया प्रिंटआउट मोड। क्या हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं? हम चेक करते हैं। पहला शर्त था कि फॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो जाए, जी हाँ हो चुका है, क्योंकि पहले ये आधा आ रहा था, पूरा आ रहा है, तो 14 पिक्सल मतलब साइज बढ़ गया है। दूसरी कंडीशन ये थी इसका कलर रेड हो जाए फॉन्ट का, तो कलर रेड हो चुका है, बिल्कुल कंडीशन फॉलो हो रही है। तीसरा ये था कि इमेज ना आए, तो इमेज नहीं आ रही है। चौथी कंडीशन ये थी कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके आप स्पेसिफिक प्रिंटआउट मोड के लिए भी CSS लगा सकते हो कि कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट का पर्टिकुलर किसी वेब पेज का प्रिंटआउट निकाल रहा है तो वो किस तरीके आए। अगर यहीं पर हम लोग बैकग्राउंड कलर देखो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मान लो मैंने इमेज को डिस्प्ले नन किया है, आप इमेज का साइज बड़ा कर दो, बॉर्डर लगा दो, वो आपके ऊपर है। मान लो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन हटाकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूं, तो बॉर्डर लगाऊंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और अब प्रिंटआउट मोड खोल के देखते हैं क्या ये चीज आई, अभी इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई चेक करते हैं। और इसको साइड से काट लेते हैं और इसको फुल साइज में खोल लेते हैं, ठीक है। तो इमेज लगा है, इमेज में एक बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे ठीक है। इसको दोबारा से रिफ्रेश करके फिर प्रिंटआउट मोड खोलते हैं। इसको रिफ्रेश किया पेज को और कंट्रोल पी दबाएंगे, क्या अब ये इमेज आ रही है? बिल्कुल ये इमेज आ रही है। इमेज पे क्या हमारा बॉर्डर लगा है? बिल्कुल लगा है। और हम लोग चाहे तो बॉर्डर का रेडियस भी दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो पेज का ये कन्वर्ट हो गया। क्यों दो पेज का हुआ? क्योंकि अब इमेज ने भी अपना साइज ले लिया है, इस वजह से हम लोग इमेज नहीं लगा रहे थे। मान लो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे ब्लैक हटाकर, मैं मान लो ब्लू करना चाहता हूं तो मैं ब्लू कर दूंगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करने के बाद कंट्रोल पी आप दबाइए और ये नया पेज खुल के आ गया। अब देखो ये आपका कंट्रोल पैनल किस चीज का खुला है? प्रिंट का। प्रिंट में आप यहाँ नीचे आएंगे तो एक दो सेटिंग समझा देता हूँ। ऊपर देखो नॉर्मल है, पेज कितने रखने हैं सारे ऑल कर दो, लेआउट कैसा रखना है, पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, लैंडस्केप रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कलर कैसा ब्लैक एंड व्हाइट कलर देना चाहते हो तो ऐसा आएगा, और अगर आप कलरफुल कर देते हो तो जैसा उन्होंने CSS में दे रखा होगा डेवलपर ने वैसा आएगा, ठीक है। पेज साइज कैसा रखना चाहते हो, पेज कितने शीट्स में आए, एक में मार्जिन डिफॉल्ट, स्केल डिफॉल्ट, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेडर एंड फुटर पे हटा देते हो तो देखो इसका हेडर एंड फुटर जो आ रहा था वो हट गया, ठीक है। और बैकग्राउंड ग्राफिक्स हटा देते हो तो ये देखो बैकग्राउंड से कलर हट जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स आपको लगाकर प्रिंटआउट निकालना है तभी पूरा आएगा, और प्रिंट पे क्लिक करो आ जाएगा, कंट्रोल पी से ही हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज लाइक करके बताएं, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रोसेस नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज मैंने प्रिंट से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।